अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात को वजू के अंदर कितनी चीजें फर्ज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कुरान मजीद की आयत की तिलावत करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलु वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक़ वामसहु बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, नमाज के लिए खड़े होने लगो, तो सबसे पहले पाकी हासिल कर लो, गोया कि उससे मुराद की आप बावजू हो लिया करो, है ना। उसने कितनी चीजें फर्ज बताई, आप हजरात बगौर समाअत फरमाए। सबसे पहले पेशानी के बालों से लेकर ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरा का धोना। नंबर दो बताया कि हाथ के हसे हथेली से लेकर की केहनियों समेत तक धोना। नंबर तीन, चौथाई सर का मसा करना। और नंबर चार में बताया कि दोनों पांव को टखनों समेत तक धोना। ये वजू के अंदर चार चीजें फर्ज है, बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें सुन्नत है। आप हजरात बगौर समाअत फरमाए और अल्लाह हम सब को सही तरीके से वजू करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।